السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

रदी अल्लाह तहों से रिवायत करदा है से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है मेरा नबी वसल्लम ने फरमाया मन मनका नई उम्र नबी आखिर जिस आदमी का ईमान अल्लाह और यौम आखिरत पर है उसको चाहिए फलीकुल ख़ैर अल यासमुत चाहिए कि वो भली बात कहें और ना खामोश रहें ईमान की अलामत है अल्लाह और आखरत पर जिसका ईमान है तो वो भली बात कहें और ना खामोश रहें इससे मालूम होता है कि जो इंसान भली बात नहीं करते हैं खामोश नहीं रहते हैं बड़बड़ाते हैं उसका ईमान मुकम्मल नहीं है तो वो शख्स जिसका ईमान मुकम्मल नहीं है जो अपनी जबान की हिफाजत नहीं करता है जो खामोश नहीं रहता है और खैर की बातें नहीं करता है से मालूम होता है बात कहो तो खैर की बात करो वरना खामोश रहो उसी में नजात है उसी में सलामती है उसी में खैर है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कहा किलियामुत अगर बात करने में खैर की बात है तो करो और ना खामोशी इख्तियार करो इसी में खैर है मन समाता नचा। जो ख़ामोश रहा वही नजात पा गया खामोशी में बड़ा न, बड़ी नजात है नबी वसल्लम से साबिर रसूल ने सवाल किया अल्लाह के रसूल मन नजात नजात किस में है तो आप वसल्लम ने तीन चीजों का जिक्र किया उनमें से एक बात यह कही अमलिक काली लिसानक अपनी जबान को कंट्रोल में रखो उसी में नजात है उसी में नजात है कि जबान को कंट्रोल में रखो जबान की हिफाजत करो ये जबान जिसमें हड्डी नहीं है तो कभी थकती नहीं है ये चलती है चलती है कभी थकती नहीं है और अल्लाह ने इसको बड़ी नेमत करार दिया है और इंसान हमने को एक दी, दो होंठ दिए गोया ये बात करने की ये ताकत और सलाहियत ये गोया कि एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है जिनको बोलना नहीं आता उसको पूछो अल्लाह ने बोलने की ताकत और कुत दी है अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की नेमत, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है गलत काम में इस्तेमाल नहीं करना है अगर करोगे तो फंसोगे वही ना शुक्री है ना कदरी है कुफर भी है यही जबान तिरमिजी की रिवायत है प्यार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत सारे खैर का तस्करा किया और कहा कि देखो इन सारे खैर की चाबी कुंजी और बुनियाद में तुम्हें ना बताऊं और बहुत सारे शर का तस्करा किया बुराइयों का तस्करा किया और बताया कि देखो इन सारी बुराइयों का मंबा और मरकस और सेंटर और इसकी बुनियाद ना बताऊं साहबा ने कहा कि जरूर बताया के रसूल आपने अपनी जबान निकाली और कहा कि देखो ये और कहा कि इसको कंट्रोल में रखो अमलिस इसको कंट्रोल में रखो क्योंकि ये हर खैर का मंबा भी है हर शर का मंबा भी है इसी से कलीमे का इकरार भी करता है इसी से अजान भी देता है इसी से कामत भी बोलता है इसी से आदमी दुआ अस्कार भी करता तिलावत भी करता है लोगों के दिलों को जोड़ता भी है खैर की बात कहता है अच्छी बातें करता है और यही जबान इससे दिल तोड़ा भी जाता है कुफ्रिया कलिमात भी कहते हैं शिरकिया बातें भी करते हैं गाली गलोच भी करते हैं वाहियात और खबासत भरी बातों का भी तस्करा करते हैं इसी जबान से दिल को तोड़ा भी जाता है तो ये जबान इसको कंट्रोल में रखें इसी में नजात, इसी में जाते हैं इंसान बोल के फंसता है खामोश रहकर कभी फंसा है नहीं बोलने के बाद फंसता है इसीलिए कहा जाता है तोलो फिर बोलो बोलने से पहले दस बार सोचो मैं क्या बोल रहा हूं वरना खामोश रहो फलियकुल खैर मुथ या तो की बात कहो या खामोश रहो क्योंकि शैतान इस जबान के जरिए से हमें फंसाता है कुछ बोल दिए छोटी सी बात की बतंगड़ बन गई और कहां से क्या हो गया अब जानते हैं कि बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं छोटी बात से इसीलिए अल्लाह ने सोरा बन में क्या फ़रमाया फरमायाबा कुल्लीन

इसी बात से इसी जबान से बड़े मसले का हल भी होता है बड़े से बड़े मसले हो गए मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा है कई दिनों तक बातचीत नहीं है सिर्फ एक कलीमा कोई आगे बढ़ के सॉरी मुझे माफ कर दो गलती हो गई इतनी बात कहने से बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं लेकिन लोग इतना कहने तैयार नहीं होते हजरा जबान की हिफाजत ईमान की अलामत है खामोश रहना ईमान की अलामत है भली बात कहना ईमान की अलामत है भली बात ने कहना ना कहना बेकार की बातें कहते रहना बड़बड़ाते रहना नबी ने फरमाया लानत ऐसे लोगों पर जो सिर्फ बड़बड़ाते हैं बड़बड़ाते बात करते रहते हैं बात करते रहते हैं मजलिस में किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं वही बोलते रहते वही बोलते रहते हैं जो जितना बोलेगा उतनी ज्यादा गलती करेगा इसीलिए खामोश रहने की कोशिश करें बिला वजह बिला जरूरत ना बोला करें ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है और ये जबान इंसान कितने मेयार का है कितने वजन का है उसकी जबान से पता चलता है आदमी कितने वजनदार है उसकी शख्सियत कितने वजनदार है जबान से पता चलता है जिसकी जबान वजनी उसकी शख्सियत वजनी है जिसकी जबान हल्की वो इंसान हल्का है उसकी शख्सियत भी हल्की होती है जबान से इंसान की पहचान होती है क्योंकि जबान जब, जब इंसान खोलता है तब पता चल पता चलता है कि कितने पानी का है ये इंसान जब तक खामोश रहता है जब तक इंसान खामोश रहता है उसके आयब और हुनर सब छुपे रहते हैं जब बात करता है तब पता चलता है आयब क्या है हुनर क्या है खैर क्या है हजरात, वो शख्स मोमिन नहीं है जो भली बात नहीं करता खामोशी में नजात देखिए मरीम सलाम के यहां पर बगैर शादी के बच्चा पैदा हो गया मुजजाती तौर पर अल्लाह ने क्या कहा खामोश रहने का रोजा मानो रखो खामोश रहो नजात पा जाओगे जाओ जाकर कहो कि मैं रोजा रखी हूं नजर मान ली हूं खामोश रहने के लिए और इस बच्चे की तरफ इशारा करो देखो नजात पा गई कर्लाम से भी अल्लाह नहीं कहा कि देखो बुढ़ापे में बच्चा हुआ लोग कहेंगे ताना देंगे चंद दिन खामोश रहो जिक्र सिक्रास्कार करते रहो अल्लाह तबरक तआला तुम्हें सही रास्ते की रहनुमाई फरमाएगा नजात सी में है अमलिक अलैका लिसानक अपनी जबान की हिफाजत करो नबी ने, ने क्या फरमाया जो इंसान मुझे दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं और दो चीजें कहा एक जो दो जबड़ों के दरमियान में है यानी जबान एक वो चीज जो दो उसके रान के दरमियान दो पैर के दरमियान में है यानी शर्मगा जो इंसान ने फरमाया, अपनी ज़बान और की ज़मानत देगा, गलत इस्तेमाल नहीं करेगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है और साथ ही साथ एक बात याद रखें नबी ने भी फरमाया सबसे ज्यादा इंसान जो जहन्नम में जाएंगे इसी जबान और शर्मगा की वजह से जबान और शर्मगा की वजह से सबसे ज्यादा कसरत से लोग जो जहनम में जाएंगे जबान और शर्मगा की वजह से लिहाजा में चाहिए की हिफाजत करें और जहनम में जाने से बचें और इसी तरह से मेरे भाइयों याद रखना वो शख्स जो मोमिन नहीं है वो जो अपनी जबान की हिफाजत नहीं करता जबान को लगाम नहीं देता है जबान से खैर की बात नहीं करता है जबान से खैर की बात कहो और ना खामोश रहो इसी में नाजात है खैर क्या जिक्र असगार दुआ इस्तगफार भली बात तिलावत करना इबादत करना अच्छी बातों के सिलसिले में बात कहना और जहां बात कहना चाहिए वहां खामोश रहना भी बेकुफी है कहने के मकाम पे कहना चाहिए और कौन सी मकाम पर क्या बात करना चाहिए लकल मकामिन मकाल हर जगह के से बात होती है आदमी के मेयार के से बात करना चाहिए और अपने आदमी के अकलों के हिसाब से बात करना चाहिए कल नम्नास अला कदरी लोगों के अकल और उनके मेयार के हिसाब से उनसे बात करना है बच्चों को बच्चे के अंदाज में बात करें बड़ों को बड़ों के अंदाज में अच्छे महफिलों में अच्छी बात करें इसलिए देखिए बात अच्छे अंदाज में की जाए तो शायर की जबानी कौन सी बात कहाँ कैसे की जाती है बात कौन सी कहाँ कैसे की जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है कौन सी बात कहाँ कैसे किस तरीके से कौन सी बात कहाँ कहना ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है तो हर दोबल से अल्लाह तबरक और आपको ज़बान की हिफाजत की तोफीकता फरमाए खैर की बातें कहने खैर कहने की तोफ़ी दे और ना खामोश रहने की तोफ़ी तह फरमाएँ आमीन सुबहद अरतफर काबीना महमदुम वरह वक्त